ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 25/1/15 और आज रविवार है। हम अपने प्राणेश्वर अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 25/1/79, जनवरी मास की 79 की मुरली है। और आज की मुरली का शीर्षक है सम्मान देना ही सम्मान लेना है, यानी रिगार्ड किसी को देना ही रिगार्ड लेना है। आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड यानी लेखा देख रहे थे। भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों का विशेष आज क्या देख रहे थे, आदि से अभी तक का लेखा क्या है, भाग्य हमने कितना बनाया और अब कितना बनाना बाकी है, ये सारी बातें भाग्य विधाता के रूप में देख रहे थे। कौन सी बात का देख रहे थे विशेष भाग्य, रिगार्ड यानी सम्मान का रिकॉर्ड देख रहे थे। सम्मान के सब्जेक्ट में हम बच्चे आदि से अभी तक कैसे चले हैं, कितना रिगार्ड प्राप्त किया है, कितना बड़ों को जिनों को देने योग्य रिगार्ड है हमने दिया या नहीं दिया, ये सारी बातें बाबा हम बच्चों की देख रहे थे। रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। बाबा कहते हैं सम्मान देना और लेना और रिगार्ड को प्राप्त करना, ये भी हम ब्राह्मण जीवन की एक चढ़ती कला की निशानी है हमारा, जैसे कि ये एक चढ़ती कला का साधन भी है। जो रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाबा कहते हैं देना ही लेना है, तो जो देता जाएगा वो लेता भी जाएगा। तो देने में क्या देना है, तो ये सूक्ष्म भावनाओं का आदान प्रदान है, स्नेह का आदान प्रदान है, मान सम्मान का आदान प्रदान है। तो बाबा भी कहते हैं कि जो रिगार्ड देते हैं वो विशेष आत्माओं को क्या मिलता है, वर्तमान और भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए उनको अन्य आत्माओं के द्वारा रिगार्ड मिलता रहता है, यानी वो अन्य आत्माओं के द्वारा रिगार्ड को प्राप्त करने के पात्र बनते हैं, हकदार बनते हैं, अधिकारी बनते हैं और उनको वो मिलता भी है। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते, ध्यान से सुने, बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। आदि काल से देखो बाबा ने यज्ञ स्थापन क्या किया, लेकिन पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी या ये कहें कि नई दुनिया को स्थापन करने के लिए निमित्त ज्ञान कलश की कलश सर पर रख कर और जिम्मेवारी का ताज किनको पहनाया, माताओं कन्याओं को और बच्चों को पहनाया। तो बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया, बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। अपनी सारी प्रॉपर्टी बाप दादा ने क्या की,
कन्याओं माताओं को विल कर दी, पहले बच्चे पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बनते, बच्चे ही डबल पूज्य बनते, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदि काल से रिगार्ड रखा, ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदि काल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हरेक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। अभी हमको स्वयं के चेकिंग करनी है कि हम भी आदि काल से लेकर के इस यज्ञ में आए तो हमने भी बाप को कितना रिगार्ड दिया, बाप की पढ़ाई में कितना बाप को रिगार्ड दिया, ज्ञान में कितना रिगार्ड दिया, योग को कितना रिगार्ड दिया, धारणाओं को कितना रिगार्ड दिया, श्रीमत को कितना रिगार्ड दिया। तो इन सभी बातों की भी हम स्वयं की चेकिंग करें। आगे बाबा कहते हैं कि रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिगार्ड। अब बाबा बताते हैं कि अपना रिकॉर्ड कैसे चेक करो। तो पहले देखना है कि मैंने बाप का रिगार्ड कितना रखा। अब बाप में जितना हमारा स्नेह विश्वास होगा उतना हमारा रिगार्ड भी रखने का होगा। दूसरी बात, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड। बाबा हम बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया है जो ज्ञान संसार में किसी भी मनुष्य आत्मा के पास नहीं है, तो ऐसा ऊंचे पे ऊंचा ज्ञान हम बच्चों को बाप ने दिया। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। बाबा कहते हैं खुद खुद का कितना रिगार्ड रखते हैं, अर्थात हम ऊंचे पे ऊंचे बाप की संतान बने हैं तो हमें अपनी भी कीमत कितनी है, हम स्वयं को भी कितना श्रेष्ठ महान पद्मा पदम अरब खरब भाग्यशाली समझते हैं या नहीं, तो स्वयं का रिगार्ड। फिर चौथी बात, जो भी आत्माएं चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड, क्योंकि परमात्म संबंध से चाहे ब्राह्मण परिवार हो चाहे अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं, वो सब हमारी क्या है, रिश्ते में हम सभी आध्यात्मिक रिश्ते से, रूहानी रिश्ते से, परमात्म रिश्ते से हम भाई भाई हैं। तो ये रिगार्ड, तो इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। सभी ने चार बातें नोट की, बाप में रिगार्ड, फिर बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में रिगार्ड, तीसरी बात स्वयं का रिगार्ड, और चौथी बात ब्राह्मण परिवार और संपर्क की आत्माओं में उन आत्माओं के प्रति रिगार्ड। तो बाबा कहते हैं चेक करो चारों ही बातों में कितनी मार्क्स है, चारों ही बातों में संपन्न रहे हैं वा यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी है और किस में कम। बाबा कहते चारों में मार्क्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो भी चेक करो कि कौन सी चार बातों में से कौन सी बात में ज्यादा, किस बात में कम, या फिर चारों ही बातों में हमारे समान मार्क्स हैं। अब पहली बात को उठाते हुए बाबा बताते हैं कि पहली बात बाबा ने बताई बाप का रिगार्ड, अर्थात सदा वो जो है जैसा है वैसे स्वरूप से यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे पहचानो। पहचानने का मतलब क्या हुआ, जो पहचानेगा वो तुरंत स्नेह संबंध जोड़ेगा
और स्नेह संबंध अगर हमने जोड़ा तो हम उन स्नेह संबंध की जो मर्यादाएं हैं उनको भी निभाएंगे। तो हमने कहां तक उसको निभाया, बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। बाबा कहते हैं बाप के रूप में हम बाप का क्या रिगार्ड रखेंगे, तो हमने फॉलो फादर कितना किया। यदि हमने फॉलो फादर किया है 100% तो हम 100% उसमें पास हुए, नहीं तो कितनी परसेंटेज हमने फॉलो फादर किया चेक करें। फिर बाबा दूसरा संबंध बताते हैं परम शिक्षक के रूप में, तो शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर, सदा बाबा कहते सदा पढ़ाई में रेगुलर और सदा पंक्चुअल, यानी समय पर पढ़ाई करना, पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। जो भी हमारी पढ़ाई की चार सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान योग दिव्य गुणों की धारणा और विश्व कल्याण की ईश्वरीय सेवा, तो इन चारों ही बातों में हमारा फुल अटेंशन। फिर सतगुरु के संबंध में, टीचर के संबंध में ये बातें बताई, अब सतगुरु के संबंध में कैसे रिगार्ड रखना, क्या चेक करें, अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूल कर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। कर्म करते करते हमें यह स्मृति रहे कि मैं विदेही आत्मा इस देह रूपी कर्मेंद्रियों से या इस देह से कर्म कर रही हूँ, तो निराकारी स्थिति में भी स्वयं को स्थित रखना। फिर बाबा कहते सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। जो अशरीरी का अभ्यास अधिक से अधिक करेगा उसे अपना परम धाम घर याद होगा, और घर याद होगा तो वो वहां जाने के लिए स्वयं को एवर रेडी करेगा। ऐसे ही अब बाबा और एक चौथा संबंध बता रहे हैं, ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड। कई हम सभी सजनिया उस शिव साजन की हैं। बाबा कहते हैं तुम सब मेरे आशिक हो, मैं आप सभी का माशुक हूँ। तो साजन के संबंध का रिगार्ड, हर संकल्प और सेकंड में उस एक की ही लगन में आशिक रहना। एक की ही याद आए, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। और बाबा आगे कहते हैं एक के संबंध से तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड, अब बाबा और आगे संबंध बता रहे हैं। कोई कोई बाबा को अपना सखा भी मानते बंधु भी मानते, तो सारे संबंधों में ये भी संबंध आते हैं, तो उनका रिगार्ड कैसे रखना, अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। हर कार्य को करते समय क्या अनुभव करना कि बाबा मेरे साथ है और बाबा मेरा साथी है, तो साथी को साथ रख करके और कार्य करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। तो बाबा कहते ऐसे सर्व संबंधों को निभाना, उसके रस में चलना, उस लगन में मगन रहना और फिर कर्म करना। तो बाबा कहते ये है रिगार्ड रखना। रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है क्या, बाबा कहते एक बाप दूसरा न कोई, बाप ने कहा और बच्चों ने किया। बाबा कहते बस बाबा ने कहा और बच्चों का करना।
कदम के ऊपर कदम रख करके चलना, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। बाबा कहते मनमत और परमत ऐसे हमारी नष्ट हो जाए जैसे वो हमको पता ही नहीं है, वो चीज थी ही नहीं जीवन के अंदर। मनमत व परमत को संकल्प से भी टच करना भी स्वप्न मात्र भी न हो अर्थात अविद्या हो। मनमत और परमत की हमें अविद्या हो, संकल्प में भी वो टच न करे, सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। हर बात में हमारी बुद्धि क्या जवाब दे, जो श्रीमत कहे। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप से, देखो तो भी बाप को देखो, चलो तो भी बाप के साथ चलो, सोचो तो भी बाप की ही बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। देखो कितनी सारी बातें बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और हम बच्चों को साथ साथ महसूस भी कराते जा रहे हैं। इसको कहा जाता है बाप के बिगाड़ का रिकॉर्ड, इसको कहते हैं बाप को फॉलो करना। ऐसे चेक करो कि पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा व सेकंड क्लास। बाबा कहते हैं ये चेक करो कि पहली बात जो हमारी बाप की है उसमें हम फर्स्ट क्लास रहे या सेकंड क्लास। हर वक्त ऐसे हर बातों को चेक करते फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास, ये चेक करो। फिर चेक करो अखंड रहा व खंडित हुआ है। भाई थोड़ा टाइम हमने बाप का संबंध रखा, फिर हमको बाप भूला, फिर हमने टीचर रखा, फिर वो भूला, फिर हमने और संबंध रखा, या फिर हमने बाप को भूला के दूसरा किसी को अपना बाप बनाकर उनको याद रखा, उनकी श्रीमत ली, क्या किया, ये सभी चेक करो। अखंड रहा है व खंडित हुआ है, अटल रहा है या माया की परिस्थितियों प्रमाण रिगार्ड का रिकॉर्ड हलचल में रहा है। बाबा कहते हैं चेक करो कि कहीं माया की परिस्थितियों ने हमें निश्चय से यहाँ वहाँ हलचल में तो नहीं ला दिया। लकीर सदा सीधी रही व टेढ़ी बाकी भी रही है। अभी बाबा हमें दूसरी बात को स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं। दूसरी बात बाबा ने बताई नॉलेज का रिगार्ड। नॉलेज का रिगार्ड अर्थात आदि से अब तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। ऐसे नहीं बाबा तो ये कहता है परंतु ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, प्रश्न नहीं उठने चाहिए। निश्चय जो बाबा ने कहा वही सत्य है, वही सनातन सच है, तो उसमें निश्चय कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में ये संशय उठाना है, यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। कितनी गंभीर बात बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले चमत्कार जो दिखाएंगे तो नेचुरली क्या होगा कि चमत्कार दिखाने वालों से प्रभावित होकर के थोड़ा समय बाप से दूर हो जाएंगे और वो चमत्कार दिखाने वालों के प्रभाव में आकर वो जो कहेंगे वो करेंगे। तो बाबा कहते हैं वंचित करने वाले बाप से यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं
उनों के लिए भी सत्वचन महाराज कहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे दूर करने वाले नामधारी वो और महान आत्माएं जिनको दुनिया कहती है उनके लिए भी क्या कह देते उस समय, उनके वाक्य को भी सत्वचन महाराज कहते हैं। तो सतगुरु कौन है? सतगुरु शिव बाबा। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का भी, ध्यान से सुने, सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचयिता परम पिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक प्रश्न होता है स्पष्ट करने के लिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोई बात को हम बराबर समझते नहीं है तो हम उसको समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं लेकिन होना असंभव है, मुश्किल है। कैसे वो प्रश्न करेंगे संशय से कि भले बाबा तो कहता है परंतु ये है तो मुश्किल, ये शक्य नहीं है। ठीक है बाबा कहता है तो करेंगे परंतु ये संभव नहीं लगता, यानी विश्वास नहीं कि बाबा कहता है माना संभव है, तभी तो बाबा कहते हैं। तो संशय नहीं उठना चाहिए। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जाएगा? बाबा कहते हैं निश्चय के खाते में नहीं जाएगा, वो संशय के ही खाते में जाएगा, घाटे के खाते में जाएगा, इसलिए ये चेक करो। अब तीसरी बात बाबा स्पष्ट करते हुए बताते हैं स्वयं का रिगार्ड। अब स्वयं के रिगार्ड में क्या बातें हैं? इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं, हाँ बाबा ने हमें अनेका अनेक टाइटल दिए हैं। आप हरेक अव्यक्त मुरली उठाओ, चाहे साकार बाप दादा की मुरली उठाओ, कितने हम बच्चों को मीठे मीठे बाबा ने टाइटल दिए हैं। हमारे लौकिक बाप ने भी किसी भी जन्म में पूरे कल्प में कभी इतने टाइटल हमको नहीं दिए होंगे जितना प्यार के सागर ने हम बच्चों को प्यार करते हुए टाइटल दिए हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं, अनेक गुणों और कर्तव्यों के आधार पर जो स्वरूप और स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, परिस्थितिपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना। ये जो भी टाइटल अभी हमने सुने, स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, परिस्थितिपन की स्थिति, यानी हम परिस्ते हैं, तो ये जो बाबा ने टाइटल दिए उसका हम प्रैक्टिकल में अनुभव भी कर रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करना। जो हूँ वैसा अपने को समझ कर चलना, हाँ जो मैं हूँ जैसा हूँ ऐसी स्थिति में अपने को समझ कर चलना। तो मैं कौन हूँ और क्या हूँ बाबा ने बता दिया, हम ब्राह्मण क्या हैं और कैसे हैं, तो उस स्थिति में चलना, इसको कहते हैं स्वयं का रिगार्ड रखना। जो हूँ अर्थात क्या हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, यानी ऊंचे ते ऊंचे सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, डायरेक्ट भगवान की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे जो हूँ वैसे समझ कर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। तो स्वमान में स्थित होकर के चलना,
ऊंचे से ऊंचे स्वमान में, इसको कहते हैं स्वयं का रिगार्ड रखना। मैं तो कमजोर हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं बन नहीं सकती। भले बाबा कहते हैं परंतु मैं बन नहीं सकती। मेरा ड्रामा में पार्टी पीछे का है, स्वयं में स्वयं को संशय, खुद का खुद में विश्वास नहीं, आत्मविश्वास की कमी। जितना है उतना ही अच्छा है, मेरे में जो है जितना है ठीक है उतना अच्छा है, ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होते, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड करना है। ये भी चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। हम कई बार अपनी स्थिति ऊपर नीचे होती है तो गिल्टी कॉन्शियस में आ जाते हैं, फिर कमजोर संकल्प करने लगते हैं। अब आगे मीठे मीठे बाप दादा चौथी बात को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो, इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, ये है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण देखते हुए भी नहीं देखना व उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण का भी परिवर्तन करना। जो बाप दादा हमें रोज रोज कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपनी स्मृति की समर्थि के द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, ये है रिगार्ड। सदा पहले आप का मंत्र संकल्प और कर्म में लाना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड। बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल रीति से बाबा हमको ये सारी बातें रोज रोज भी बताते हैं और आज भी विशेष सरलता से समझा रहे हैं। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना चाहिए न कि राई को पहाड़ बनाना है, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग और उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो कि इसमें भी कितनी मार्क्स है हमको, समझा कैसे रिगार्ड देना है। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं के द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। अच्छा, अब विश्व कल्याणकारी रूप में और विश्व महाराजन के रूप में, वर्तमान स्वरूप में और भविष्य रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में वही प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिगार्ड का रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ। बाबा ने आज हमें ये सिखाया। आगे बाबा कहते हैं रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है। बाबा हमें कहते देना ही लेना है, देना लेना हो जाता है, एक देना और दस पाना है, तो ये सहज हुआ ना। अच्छा,
बाबा कहते हैं ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार सदा महादानी वरदानी अर्थात विश्व कल्याणकारी हर आत्मा को रिगार्ड दे आगे बढ़ाने वाले सदा शुभ चिंतक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे आज का वरदान और स्लोगन। तो आज का वरदान है नाम और मान के त्याग द्वारा। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन किसका है? बाप का है। नाम रूप से न्यारा भी कहा उसको, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नाम का गायन किसका है? परमपिता परमात्मा का। वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। नाम को प्राप्त करने की बीमारी, मान की बीमारी बहुत ही सभी के अंदर रहती है। मेरा नाम हो, मुझे मान मिले, सम्मान मिले, मेरा मान रखा जाए, सम्मान किया जाए। बाबा कहते नहीं, जैसे बाप नाम मान शान से न्यारा है, हमें भी बाप को फॉलो करके उससे न्यारा बनना पड़े। न्यारा बनेंगे तो बाबा कहते हैं सर्व के प्यारे स्वतः ही बनेंगे, अर्थात स्वतः ही नाम भी होगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा और सबके दिलों पर भी चढ़ेंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, बाबा कहते हैं नाम की इच्छा रखना, मान प्राप्त करने की इच्छा रखना, सम्मान मांगना, ये सब बाबा कहते हैं ये भिखारीपन है। ये जैसे लेने की वृत्ति हुई ना, तो लेता कौन है? बाबा कहते लेने की वृत्ति नहीं रखनी है, मांगना नहीं है। तो नाम मान के भिखारीपन का जो त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। उनका भाग्य तो बनता ही है, लेकिन बाबा कहते हैं जो त्याग कर देते हैं इस बात का बिल्कुल, वो तो भाग्य विधाता बन जाते हैं, अर्थात दूसरों के भी भाग्य वो बनाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। कर्मों की गुह्य गति ये है, कर्म का ये कायदा है कि हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उसका फल हम चाहें या न चाहें हमें मिलना ही है, स्वतः ही मिलेगा। तो संपन्न स्वरूप में आएगा, जितनी मेहनत उतना संपन्न स्वरूप में फल। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इसलिए बाबा कहते हैं अल्पकाल की इच्छा का त्याग करो। ये सब इच्छाएं हैं, मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, किसी का प्यार पाने की इच्छा, किसी के दिल पे चढ़ने की इच्छा, ये सब का त्याग करके हम एक बाप दादा के दिल पसंद बच्चे बने, नाम मान से न्यारे बने, तो हम स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाएंगे और नाम मान शान हमारा भाग्य बनेगा और हम भाग्य विधाता बनके औरों का भी भाग्य बनाएंगे। अतः हमें नाम मान शान मांगना नहीं है, लेकिन हमें जैसे अल्पकाल का भी नहीं चाहिए, सदाकाल की तो बात ही छोड़ो, वह तो बाबा देगा ही देगा, पर ये भी हम ना सोचें
कि हम त्याग करेंगे तो हमको बाबा देगा, नहीं, हमें दिल से उसका त्याग करके और कर्म और सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं ये अल्पकाल की इच्छा भी नहीं रखो, तो बाबा कहते हैं उसके अविद्या वाले बन जाओ, यानी नॉलेज ही नहीं। जैसे छोटे बच्चों को झूठ क्या सच क्या उसका ज्ञान ही नहीं होता, ऐसे हमें भी मान सम्मान क्या हमें उसका जैसे ज्ञान ही न हो, ऐसे अविद्या वाले बने। बाबा कहते हैं कच्चा फल नहीं खाओ, बाबा कहते पक्का फल खाओ। अगर अभी सेवा की और अभी मान प्राप्त कर लिया तो ये कच्चा फल हो जाएगा, लेकिन मान सम्मान का त्याग करें तो त्याग करने से वो कर्म का फल पकेगा, और पकेगा तो सदा काल के लिए वह फल हमारा हो जाएगा। तो हम उसको पकाएं, कच्चा फल नहीं खाएं। तो कच्चे फल का त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। तो बाबा कहते हैं आप त्याग करो, भाग्य आपके पीछे पीछे आएगा आपके चरणों में आपका दास बनने के लिए। स्लोगन है आज का, परमात्म बाप के बच्चे हो, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। हम तख्त पर ही बैठे रहें, पांव जमीन पे ना आए, क्योंकि जमीन पे पांव रखना माना धूल पर पांव रखना, अर्थात माया के कुछ तो स्पर्श में आना और रॉयल माया के वशीभूत हो जाना। तो इसीलिए हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऊंचे ते ऊंची हमारी पढ़ाई है, ऊंचे ते ऊंचा हमारा ईश्वरीय परिवार है, और ऊंचे ते ऊंचे हम हैं। तो बाबा कहते हैं इन चारों ही बातों को याद रखते हुए हम अपने ऊंचे ते ऊंचे स्वमान की स्थिति में स्थित रहें। तो बाबा कहते हैं सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहेंगे तो माया की धरनी पर या माया की जो रॉयल रूप की जो भी हमारे ऊपर प्रभाव चलता है वो माया का प्रभाव बिल्कुल हमारे ऊपर नहीं चलेगा, और हम माया जीत बन जाएंगे, और हम माया जीत सो विश्व के महाराजा महारानी बनकर और भाग्य विधाता बनकर और अपने भाग्य को अनेक जन्मों के लिए सदा काल के लिए भोगते रहेंगे, और यही हमारा भाग्य मीठे मीठे बाप दादा बनाना चाहते हैं। परंतु बनेगा कब, जब हम अल्पकाल की मान सम्मान आदि आदि की इच्छाओं का त्याग करेंगे, हमें उसकी अविद्या होगी, तभी हमें यह भाग्य प्राप्त होगा। अतः त्याग से ही भाग्य बनाएं, यह हम स्वयं को पक्का करें। ओम शांति।